हेलो गाइस, मैं रूप सर। अपन आज पढ़ने वाले हैं पर्यावरण की एक तीसरी क्लास है और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ऑफ टॉपिक है हमारा कोयला, राइट। कोयल को हमको पढ़ना है तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। आप यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान एकेडमी पर हैं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ से आप नोट संबंधी और मेरी गुरु ज्ञान एकेडमी .com.in पर जाकर आप मेरे सभी लेक्चरों को देख पाएंगे, राइट। और मैं सारा पूरा एमपीपीएससी के लिए एनवायरमेंट स्टार्ट किया है, यूपीएससी में भी काम आने वाला, यूपीपीसीएस में भी काम आएगा और जो टीचर की भर्ती है उसमें भी काम आने वाला है। तो पहला है कोयला। कोयला क्या है? तो कोयला एक कार्बन का अपर रूप होता है। पहला शब्द आपको क्लियर हुआ। दूसरा, इसे हम उद्योगों की जननी के नाम से भी जानते हैं। कोयला को याद रखना, उद्योगों की जननी कहते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है हमारा, इसे काला सोना भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट रखेंगे, किस चट्टान से हमें इसकी प्राप्ति होती है? तो ये जो है हमें अपसारी चट्टान से मिलता है। दोस्तों, अगर आप जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे उसका भी वीडियो देखना चाहोगे तो इस जो वेबसाइट है उस पर मिलेंगे। आप उस पर पूरे नोट्स पढ़ भी सकते हो और बना भी सकते हो, ठीक। और जो मेरी टेस्ट सीरीज भी इसी पर मिल जाएंगी आपको, टेस्ट सीरीज की कॉन्टेक्ट लिए अगर कोई पूछना हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, कोयला के अगर हम टाइप्स ऑफ कोयला पढ़ें तो कोयला के हैं हमारे चार प्रकार। पहला है एंथ्रेसाइट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रेसाइट होता है इसका। दूसरा है जो हमारा इंपॉर्टेंट, बिटुमिनस। दूसरा हमारा है बिटुमिनस। तीसरा है लिग्नाइट। चौथा है भूरा कोयला, इसी को हम पढ़ते हैं, लिग्नाइट कोयले को हम बोलते हैं जो भूरा कोयला। इसका एक और टाइप होता है पिट। परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करें तो 85% 70 से 80% बिटुमिनस, 60 से 70% लिग्नाइट और हमारा 50 से 60% पिट होता है। ये जो है सबसे अच्छा कोयला इसे कहते हैं, यानी एंथ्रेसाइट जो है वो हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। भारत में सबसे ज्यादा ये प्राप्त होता है हमें बिटुमिनस। सबसे खराब कोयला हमारा ये है। चलिए अब आते हैं हम भारत में इसकी स्थिति देखते हैं, कहां पर कोयला सबसे ज्यादा मिल रहा है और कहां पर कम मिल रहा है, वो हम डायग्रामेटिकली आधार पर समझने वाले हैं। यानी कोयले को अगर हम पढ़ लें डायग्रामेटिकली तो हमारा कोयला पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नोट्स में कैसे लिखा हूं वो भी आप देख सकते हैं और उसके आधार पे हम तैयार करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जहां पर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वहां चलते हैं, बंगाल। बंगाल में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है रानीगंज। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये, यार कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज है। दूसरा शब्द याद रखेंगे, सबसे पहले जो कोयला था वो हम यहीं पर खोजे। उड़ीसा में याद रखेंगे हमारा कोयला क्षेत्र है तलचर। आंध्र प्रदेश में कोयला क्षेत्र मेरा सिगरेनी। तमिलनाडु में हमारा कोयला क्षेत्र है जो काफी इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र है और यहां पर है नेवेली। हम यहां पर राजस्थान का भी नाम लिख रहे हैं, बताओ हुआ क्यों? अभी आप समझ लीजिए, राजस्थान में अपना पलना। और ये जो दोनों ही क्षेत्र है ये लिग्नाइट कोयला के लिए बेसिकली जाने जाते हैं, तो ये लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध। फिर हमारा आता है महाराष्ट्र।
अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो चांदा, भंडारा, ये दो इंपॉर्टेंट। गुजरात की बात करें तो उमर साल। अब आते हैं हम राजस्थान। राजस्थान मैंने अभी बताया पलना है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर याद रखें नीचा होम और दूसरा नाम है कालकोट। यूपी में मिर्जापुर। बिहार में हमारा भागलपुर। असम में माकूम और अरुणाचल प्रदेश में है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जो हमारी ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां पर ये एरिया पड़ता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र घाटी का एरिया, तो कई बार वो एग्जाम में पूछा गया है। फिर झारखंड की अगर स्थिति देखें हम तो यहां पे झरिया, गिरिडीह या के झारिया, गिरिडीह, बोकारो, ये दो क्षेत्र भी यहीं पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो कोरबा है हमारा और कोरिया है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं एमपी में, क्यों एमपी का अलग से पढ़ेंगे आप। तो एमपी के क्षेत्र को बांटते हैं दो समूह में। पहला मध्य प्रदेश का जो है विंध्याचल सेल समूह और दूसरा सेल है हमारा सतपुड़ा सेल समूह। विंध्याचल में अगर सबसे बड़ा बात करें तो हमारा सोहागपुर आता है। ये एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 4,142 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली में याद रखें विश्व की दूसरी सेकेंड नंबर की मोटी परत यहां हमें मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है। आज कई बार एग्जाम में पूछा था, इसकी मोटाई है 136 मीटर। इसके अलावा मोहपानी का कोयला क्षेत्र यहां पर आएगा अपना, जो सबसे छोटा क्षेत्र है उमरिया, ये जो है एमपी का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। चलते हैं फिर सतपुड़ा में, यहां पर शाहपुरा तवा क्षेत्र, दूसरा मोहपानी, तीसरा पेंच है, चौथा कान्हा घाटी। अब क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम कोयला विश्व में कहां, तो हम रखेंगे चाइना पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे है भारत। भारत में अगर हम पहले नंबर की बात कर लें तो प्रोडक्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ पहला है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, लेकिन ये किस आधार पर है हमारा उत्पादन के आधार पर। अगर भंडार की बात कर ले तो जस्ट अपोजिट करना है, झारखंड पहला, उड़ीसा दूसरा और छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा तीसरी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक, तो ये चार्ट आपको अच्छे से करनी है, ये आपको एग्जामिनर में सबसे ज्यादा पूछेगा। ठीक, तो इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह करिएगा, आपको एग्जाम में जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पुट अप होगा। अगर एमपी का देख लें कि एमपी में पहला कौन, तो आपने एमपी में फर्स्ट की बात करेंगे तो एमपी में पहले नंबर पे आता है हमारा शहडोल।
और दूसरे नंबर पे आता है हमारा सिंगरौली। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोयला हमें किस सेल समूह से मिलता है? तो कोयला जो है वो है हमारा गोंडवाना सेल समूह। इससे हमें 98% कोयले की प्राप्ति हुई। तो 2% जो बच रहा है वो है हमारा टर्शियरी युग। इस टाइम पीरियड से हमें कोयला की प्राप्ति हुई। दोस्तों ये हमारा दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आप आराम से स्टेट डायग्राम को देख लें और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अपन रफ करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं? हमारा एनवायरनमेंट का सीरीज चल रही है और हमारा ये जो चौथा लेसन हम करने वाले हैं, इससे पहले हमने ऊर्जा एक लेसन पढ़ा, दूसरा हमारा जो है परमाणु से संबंधित एटॉमिक पावर प्लांट पर बेस्ड था, तीसरा भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास कैसे हुआ ITER उस पर पढ़ा हमने बेसिक टॉपिक। अब हमारा चौथा टॉपिक है कोयला। कोयला को हम पहले शॉर्ट एंड स्वीट समझ रहा हूं, आगे की दो स्लाइड के बाद ही मैं खुद बताऊं कि ये मेंस के हिसाब से पूरा राइट, आपको यूपीएससी पीएससी सभी में ये क्वेश्चन आता है राइट। तो चलते हैं अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। सबसे पहले कोयला को हम उद्योगों की जननी के नाम से जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे काला सोना भी कहते हैं। कोयला कार्बन का एक अपर रूप है। इसकी जो संरचना होती है चतुष्फल की है संरचना पाई जाती है। ये हमें अवसादीय चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है। गोंडवाना सेल से इसे हम प्राप्त करते हैं। अगर इसके प्रकार की देखें तो एंथ्रेसाइट, इसमें 85% कोयला की प्राप्ति होती है और ये सबसे अच्छा हमारा कोयला है। परसेंटेज ऑफ कार्बन देखा जाए तो इसमें 85% कार्बन होता है। इसके अलावा बिटुमिनस 70-80% इसमें बिटुमिनस कोयला हमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज है इसमें ये सबसे ज्यादा एमपी और देश में पाया जाता है, यानी भारत में सबसे जो कोयला का जो प्रकार है वो हमारा क्या है बिटुमिनस। तीसरा हमारा प्रकार होता है लिग्नाइट कोयला और लिग्नाइट कोयला भारत में मिलता है और इसे भूरा कोयला के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, फिर है हमारा पिट। पिट और पूरे मध्य भारत और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये जो कोयला है सबसे खराब कोयला है। अगर हम खदान की बात कर लें, रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है भारत की सबसे बड़ी खदान है, यहां पर सबसे पहले कोयले की प्राप्ति हुई। बोकारो करनपुरा गिरिडीह झरिया ये झारखंड में पाई जाने वाली कोयले की खदानें हैं। तलचर उड़ीसा में पड़ती है और सिगरेनी आंध्र प्रदेश। इनके बारे में आगे वाली सीरीज में, अब यहां से कैसे आपको मेंस की राइटिंग करनी है उस फॉर्मेट में ये आपको राइटिंग में लिखा हुआ है राइट। तो कैसे हम मेंस में लिखें बेसिकली अब हम इसको देखते हैं। कोयला जो है गोंडवाना सेल समूह से इसकी हमें प्राप्ति हुई। भारत में 98% कोयले की जो प्राप्ति है गोंडवाना सेल समूह से पाई जाती है, जबकि 2% कोयला टर्शियरी युग से हमें प्राप्त होता है। कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। जब जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों तक चट्टानों में दबे रहते हैं तो कोयले का निर्माण होता है। कोयला कार्बन का एक अपर रूप होता है। इसे हम उद्योगों की जननी काला सोना भी कहते हैं। भारत में कोयला छोटा नागपुर के पठार, विंध्य सेल समूह, महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा से हमें प्राप्त हुआ। भारत में कोयला की अथाह संभावना है, यानी अपार संभावना इसमें पाई जाती है। मध्य प्रदेश कोयला भंडार के आधार पर चौथा स्थान रखता है, जबकि राजस्व की दृष्टि से देश में इसका दूसरी स्थान आता है। यानी राजस्व की दृष्टि से ये हमारे देश में दूसरी पोजीशन पे ये रखा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कोयला। अगर मध्य प्रदेश में कोयला बनाए तो सबसे फर्स्ट आपको इस प्रकार की एक चार्ट बनानी पड़ेगी मेंस में राइट। तो दो पार्ट में हम मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को बांटते हैं, विंध्य सेल समूह और सतपुड़ा सेल समूह।
विंध्यसेल समूह में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर, जो एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका जो एरिया है 4,142 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया पाया जाता है। यहाँ रखे 4,142 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल में ये पाया जाता है। ठीक, फिर है सापुरा, इसके बाद इसका विस्तार सेडोल से सीधी। सिंगरौली दूसरा कोयला क्षेत्र विंध्यसेल समूह में, ये विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयली परत है, 136 मीटर की मोटाई है। अमेरिका में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पाया जाता है, राइट। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग किलोमीटर, एमपी का ये दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। फिर तीसरा है हमारा उमरिया कोयला क्षेत्र, ये एमपी का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। शाहपुरा तवा क्षेत्र, सतपुरा क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है शाहपुरा तवा क्षेत्र। इसका जो विस्तार है बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा तक पाया जाता है। याद रखिए, बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा तक ये हमें मिलता है। पेंच कोयला क्षेत्र, काना घाटी कोयला क्षेत्र और महोपानी कोयला क्षेत्र। चलिए अब स्टार्ट किसे, ये तो पहले चार्ट बना के अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं इसमें मध्य प्रदेश में विंध्यसेल समूह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस सेल समूह में सिंगरौली सीधी शहडोल उमरिया कटनी तक यह फैला है। यह प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्र को सबसे अधिक कोयले की प्राप्ति जो होती है वो बेसिकली हमारे विंध्यसेल समूह से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब एमपी में विंध्यसेल समूह का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है दूसरा है हमारा सुहागपुर है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्षेत्रफल इसका 4,142 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार शहडोल से सीधी तक पाया जाता है। सिंगरौली प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसका एरिया जो है 2500 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है, जिसकी मोटाई है 136 मीटर। ये परत मोटी है, जबकि विश्व की सबसे मोटी परत अमेरिका में पाई जाती है, याद रखना। इसके बाद अमरिया जो कोयला क्षेत्र है, प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। फिर आता है हमारा सतपुड़ा सेल समूह। यह सेल समूह डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल तक विस्तारित है। शाहपुरा तवा क्षेत्र, यह सतपुड़ा सेल समूह का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा तक पाया जाता है। याद रखना, बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा तक ये हमारा विस्तारित है। दूसरा है इसके अलावा हमारा शाहपुरा से, इसके अलावा सतपुड़ा, पेंच, कानाघाटी कोयला क्षेत्र भी आता है। विश्व में अगर मैक्सिमम कम ज्यादा है तो विश्व में सबसे अधिक जो कोयला है चीन, अमेरिका, भारत में पाया जाता है। और याद कैसे रख सकते हैं अपन, कोई से, यानी कि चाइना, यूएसए और इंडिया। जबकि भारत में सबसे अधिक कोयला जो क्षेत्र है का उत्पादन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड करते हैं। जबकि भंडार के आधार पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला क्षेत्र को पढ़ने से पहले कोयला के टाइप्स पढ़ लेते हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं। तो कोयला जो है हमारा चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रेसाइट में कोयला में कार्बन का जो परसेंटेज होता है 85% होता है। ये सबसे अच्छा कोयला होता है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जबकि बिटुमिनस में कार्बन का जो प्रतिशत है 70 से 80% पाया जाता है। ये भारत और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला इसी प्रकार का मिलता है, और सबसे अधिक कोयला मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का भी पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला, ये 60 से 70% में कार्बन पाया जाता है। राजस्थानी पलना, तमिलनाडु के मनाली और नेवेली का क्षेत्र में पाया जाता है। इसे भूरा कोयला के नाम से भी हम जानते हैं। पिट में कार्बन का जो प्रतिशत होता है 50 से 60% कार्बन का परसेंटेज पिट में पाया जाता है। यह सबसे खराब कोयला होता है। आइए हम भारत को कोयला क्षेत्र को डायग्रामेटिकली देख पाते हैं पूरा, क्योंकि एक बार में डायग्राम तो आपको पूरा नहीं दिखाएगा, इसलिए इसका थोड़ा साइज कम कर दें हम आपको, तो थोड़ा डायग्राम आपको अब जरूर दिखेगा। ठीक है, तो आप डायग्राम पूरा दिख सकता है ना। जम्मू कश्मीर में जो कोयला, आपको ये डायग्राम बनाना है राइट, वहां पर, जिससे आपका प्रेजेंटेशन जो है काफी अच्छा रहे, वो मार्क्स ज्यादा आप मिल सकते हैं। तो नीचे हम
कालाकोट, ये दो कोयला क्षेत्र यहाँ बिटुमिनस सॉरी एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला मिलता है। यूपी का कोयला क्षेत्र मिर्जापुर, बिहार में भागलपुर, झारखंड में झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह ही है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में नाकचिकना, असम में माकुम, बंगाल में रानीगंज। सबसे पहले कोयला रानीगंज से निकाला गया, ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। तलचर उड़ीसा का सब कोयला क्षेत्र है, सिगरेनी आंध्र प्रदेश का, जबकि नेवेली और मनारगुड़ी तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र है। सिगरेनी में क्या है, जो कोयला क्षेत्र है वहां मीथेन गैस पाई जाती है और इस गैस का पता लगाने के लिए वहां पर चिड़िया का उपयोग किया जाता है। अगर वह चिड़िया उस क्षेत्र में नहीं आती तो ये माना जाता है कि उसमें मीथेन गैस की ज्यादा उपस्थिति है, जिसके कारण वहां से लौट कर आ जाती है। इसमें गिरिडीह और करणपुरा झारखंड के एरिया है, इसमें हमें कोक कोयला के साथ साथ कोक की भी प्राप्ति होती है, यार में कोयला के साथ साथ हमें कोक भी मिलता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में चांदा, भंडारा, उमरसाल, गुजरात में, मध्य प्रदेश जैसे बहुत डिटेल पढ़ा रही है, सुहागपुर है, सिंगरौली है, सापुरा तवा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरिया और राजस्थान में पालना डिस्ट्रिक्ट आता है अपना कोयला क्षेत्र। चलते हैं अपन आगे, अब दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र हमारा पहला कोयला क्षेत्र है। यह कोयला क्षेत्र झारखंड पश्चिम बंगाल में फैला है। इसके अतिरिक्त बंगाल के रानीगंज और झारखंड के झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह का क्षेत्र रखते हैं। रानीगंज की जो खदान है, भारत की सबसे पहले कोयला की जो प्राप्ति हुई वो हमें इसी खदान से प्राप्त हुआ था, ठीक, और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। तो क्लियर हुआ अपना, झरिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यह गिरिडीह और करनपुरा से हमें प्राप्ति कोयले की होती है, इसके साथ साथ हमें कोक की भी प्राप्ति होती है। तो क्लियर हुआ दोस्तों, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद झरिया जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यह मैं बताया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झरिया बहुत पूछा जाता है। महानदी, महानदी कोयला क्षेत्र है, इसके अंदर उड़ीसा का कोयला क्षेत्र रखते हैं। इसमें तलचर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसे हमें कोयले के साथ साथ वहां से भी हमें कोक की प्राप्ति होती है, यानी कोयला के साथ साथ आपको कोक भी प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर जैसे नीचे हुआ भी पड़े, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, बिहार में भागलपुर, असम में माकुम, अरुणाचल प्रदेश में नाकचिकनाम और आंध्र प्रदेश में सिगरेनी, केरल में बरकला, गुजरात में उमरसला, राजस्थान में पालना, तमिलनाडु में नेवेली, मनारगुड़ी कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। सिगरेनी कोयला क्षेत्र में जैसे हमने पहले ही बताया मैंने अभी आपको, मीथेन गैस की हमें इससे प्राप्ति होती है, ठीक है। तमिलनाडु में नेवेली और जो का जो क्षेत्र है यहाँ से लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और नेवेली लिग्नाइट जो लिमिटेड कंपनी है ये सबसे बड़ी हमारे लिग्नाइट कोयले की कंपनी है, ठीक। आगे चीज बताते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला जो क्षेत्र है वो सिंगरौली सोहागपुर है, यहाँ से बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इस निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि भारत देश कोयले के भंडार से संपन्न है, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं और हमारी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अच्छे लेक्चर आपको प्राप्त हो सके।